सारे विद्यार्थियों नूं प्यार भरी सत श्री अकाल। प्यारे विद्यार्थियों, अज असी अपने यूट्यूब ते जो है BA 2 पंजाबी इलैक्टिव दा जिहड़ा सिलेबस है वो डिस्कस करांगे, क्योंकि हुण जो है अगला समेस्टर आरंभ होने वाला है। BA फर्स्ट ईयर वाले बच्चे जिहड़े ने वो सैकेंड ईयर ही च आ चुके ने, ते उहनां दे लई कुछ टाइम, कुछ 1-1.5 महीना शायद हुण इहनां दे लई वीडियोज़ बनाउणियां पैण, जेकर घरों दी मतलब कि जेकर ऑनलाइन काम हुंदा है ते उहदे ही रिगार्डिंग विच जो है BA 2 पंजाबी इलैक्टिव दा सिलेबस अज असीं डिस्कस करांगे। कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्रा दे अंतर्गत जिहड़े कॉलेजिज आउंदे ने उहनां दा सिलेबस है ये, ते असीं अपने बच्चें लई गुरु नानक गर्ल्स कॉलेज दे स्टूडेंट्स लई मैं ये वीडियो बना रही हाँ। देखो बेटा, BA 2 इलैक्टिव वाले बच्चे की साडा सिलेबस हैगा है। देखो बेटा, 80 नंबर का तुहानू पेपर आएगा, 80 नंबर का पेपर आएगा, तो उहदे च 20 नंबर की तुहाडी असैसमेंट जुड़ेगी। तो इस तरह जो है पेपर 100 नंबर का हो जाता है। किन्ने किन्ने नंबर का कि किताब विचों आएगा वह भी देख लीए, तो किताबों के नाम भी देखो बेटा। देखो बेटा, जिहड़ी पहली तुहाडी किताब है ना, उहदा नाम है काव तरंगा, तो ये जिहड़ी किताब है तुहाडी पोएट्री की किताब है। केड़ी किताब है? काव तरंगा पोएट्री की किताब है। ये तुहानू जो है 20 नंबर की पोएट्री नाल संबंधित मैटर आएगा जिन्हों तुसी लिखना होएगा। ये जो है तुहानू व्याख्या आएगी, 2 पोएमा की व्याख्या आएगी, 1 किसी पोएट का जीवन आएगा, तो 5 नंबर के शोर्ट क्वेश्चन आएंगे। तुहानू 20 नंबर का सिलेबस जो है तुहाडी काव तरंगा बुक विचों आएगा। तो ये वाली जिहड़ी बुक है ये तुहाडी दोवें समैस्टर चलेगी, तीजे भी तो चौथे समैस्टर भी। कुछ पोइट असी जिहड़ा है तीजे समैस्टर करांगे, तो कुछ पोइट असी जो है वह चौथे समैस्टर करांगे। तो दूजी जिहड़ी तुहाडी किताब है, दूजी किताब का नाम है पंजाबी कहानी संग्रह, मतलब कि इहदा उवें करके नाम है, पर इहदा नाम है कथा यात्रा। किताब का नाम है कथा यात्रा, जिहदे विच जो ने कहानियां ने 13 कहानियां ने लगभग, तो ये भी जो है तुहानू 20 नंबर का पेपर आना है। कहानी की साहित्यक पड़चोल होएगी, 1 राइटर का जीवन होएगा, तो 5 नंबर के जिहड़े ने वह शोर्ट क्वेश्चन होणगे। मतलब कि 2 किताबों के नाम तुहानू इत्थे पता लग गए, काव तरंगा तुहाडी पोएट्री वाली किताब है, तो कथा यात्रा तुहाडी जो है कहानियां वाली किताब है जिहदे विच कहानियां ने। उहदे तो बाद बेटा तुहानू जो है निबंध आएगा, 1 निबंध जो है तुसीं आम तौर पर छोटियां क्लासां तो लिखते आ रहे हो, निबंध बारे तुहानू बहुता नहीं आपां गल करांगे, 10 नंबर का निबंध आना है तुहानू। उहदे तो बाद जो है तुहानू छंद आणगे, जिवें दोहरा, सोरठा, कोरड़ा, सिरखंडी, बैंत, सवैया, दवैया, कबित, चौपई, एवें करके छंद आणगे। मेरे हिसाब नाल छंद जेकर तुसीं पंजाबी ते अजे तक करके नहीं आए, पर मे भी हिंदी शायद तुसी कदे कीते होने छंद, ते एवें करके 10 नंबर दे तुहानू जो है छंद आणगे पेपर च। उहदे तो बाद जो है तुहाडा अगला जिहड़ा मैटर है पेपर दा, वह है शब्द जुट। शब्द जुट जो है ये तुहाडे व्याकरण वाले हिस्से दा काम है, जिवें छंद भी व्याकरण वाले च आ जांदे ने। शब्द जुट जिहड़े ने वह तुहानू 10 नंबर दे आणगे, जिवें 10 नंबर दे करोगे तुसीं शब्द जुट भी। उहदे तो बाद ग्रामर वाले पोर्शन च तुहानू जो मैटर आएगा वह आएगा साहित्यक शब्दावली। साहित्यक शब्दावली बेटा तुसीं जिस तरह तुसीं BA फर्स्ट ईयर पंजाबी इलैक्टिव करके आए हो ना, अंग्रेजी तो तुसीं उहनां नूं ट्रांसलेट करदे हुंदे सीगे शब्दां नूं पंजाबी च, उसी तरह जो है कुछ होर तरह के वर्ड ने जिन्हां नूं तुसीं पंजाबी च ट्रांसलेट करना है। तो इत्थे सिर्फ मैं 15 वर्ड लिखे ने, बाकी तुसीं जेकर तुसीं अपनी गाइड लैंदे हैगे उहदे चों वी तुहानूं पूरे मिल जाणगे, नहीं तो मैं तो तुहानूं सेंड कर ही दूंगी, ठीक है ना। किहड़े किहड़े वर्ड ने असीं इहनां नूं एक वारी इहनां दी रीडिंग लै लैंदे हां, इह वी तुहानूं जो है 10 नंबर दे आणगे। तो सारा कुछ मिला के जो है तुहाडे 20, 20, 10, 10, फिर 10, फिर 10, 80 नंबर का पेपर जो है वह बन जाता है। कुछ एक साहित्यक जिहड़ी शब्दावली है इहदी जस्ट एक थोड़ी जी रीडिंग लै लैंदे आ, बाकी तुसीं अपनी गाइडलाइन चो कर लेना, तो भावें मैं सेंड करूँगी तुहानू। ये देखो पहला है अबस्ट्रैक्ट, अबस्ट्रैक्ट हुंदा सूखम। एबसर्ड, एबसर्ड हुंदा उल जलूल, जिस चीज़ का ना कोई सिर ना पैर, उहनू उल जलूल कहा जाता है।
अगला है असेंट। असेंट नू जो है लहजा किया जाता है ज सुरतवा भी यदा हुंदा है, लहजा तुसी लिख लेना। अगला है एक्टर, एक्टर मीन्स अदाकार। अगे है एडोप्शन, एडोप्शन जिन्हों असी एडोप्शन जिहड़ा वर्ड है जदों असी किसी नू गोद लेना हुंदा है जां कुछ लेना हुंदा है उस वेले भी असी इस वर्ड नू अपनाउंदे हां, बोलदे हां, इहदा मतलब हुंदा है अपनाउणा। अगला वर्ड है एडाप्टेशन, इहदा मतलब हुंदा है अनुकूलता। अगला वर्ड है अस्थेंटिक, अस्थेंटिक का मतलब हुंदा सुहज। अगला वर्ड है अस्थेंटिक्स, यह है सुहज शास्त्र। अगला वर्ड है एनालिसिस, एनालिसिस हुंदा विश्लेषण। नैक्सट वर्ड है एनोटेशन, एनोटेशन मीनस एक प्रहान भी हुंदा है, तो इत्थे तुसी एनोटेशन का मतलब करोगे टीका। अगला है एंथोलॉजिस्ट, एंथोलॉजिस्ट हुंदा है संग्रहकर्ता, जो कुछ इकट्ठा करके रखता है अपने कोल। अगला वर्ड है एनथोलॉजी, एनथोलॉजी मीन्स संग्रह करना, मतलब कि संग्रह करना। तो अगला वर्ड है एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड हुंदा है रुचि। अगला वर्ड है आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट हुंदा है शिल्पकार। तो लास्ट वर्ड है एथे, मुझे बथेरे वर्ड ने, 100 वर्ड ने घट्टो घट। अगला वर्ड है आर्टिस्टिकली, आर्टिस्टिकली हुंदा है कला पक्ष तो। ठीक है बेटा, ये सीगा तुहाडा BA 2 पंजाबी इलैक्टिव का सिलेबस 3rd सेमेस्टर लई। ठीक है ना, तो मैं तुहानू जो है 1 मिनट कहानियां जिहड़ियां ने तुहाडे कोल जिहड़ियां कथा यात्रा च कहानियां लगियां होईयां ने वह भी तुहानू दिखा दें, 1 मिनट वेट करो बस। देखो बेटा ये ने जिथे मैं उंगल लाऊंगी उंज मेरी किताब थोड़ी फटी फटी जी हैगी है। देखो पहली कहानी है तुहाडे कोल अर्जी, अर्जी कहानी जो है नानक सिंह दी लिखी हुई है। अगली कहानी है दारां, दारां कहानी गुरबख्श सिंह प्रीतलड़ी दी लिखी हुई है। अगली कहानी है रब दी मौत, रब दी मौत कहानी सुजान सिंह दी लिखी हुई है। अगली कहानी है जीनत आपा, जीनत आपा जो है करतार सिंह दुग्गल दी लिखी हुई कहानी है। तो अगली कहानी है दो आने दा का, कुलवंत सिंह विरक दी लिखी हुई कहानी है। अगली कहानी है सांझी कंध, संतोख सिंह धीर दी। अगली कहानी है अंदरली जोत, यह है सुखबीर दी। अगली कहानी है बुत शिकन, एक कहानी लिखी हुई है अजीत कौर दी। अगली कहानी है शेषनाग, रघुबीर टंड दी। अगली कहानी है गोई, गोई प्रेम प्रकाश दी। अगली है वड्डा आदमी, अफजल एहसन रंधावा दी। अगली है कुराइया, वरियाम संधु दी। ते लास्ट है, लास्ट है हुमस, लास्ट कहानी है हुमस किरपाल कजाक दी। ते इस तरह जो है ये जिहड़ियां कहानियां ने इन्हां दी मेरे कोल वीडियोज़ भी हैगियां ने, ते ओह भी मैं तुहानू तुहाडे ग्रुप विच सेंड करूँगी, तुसी सुन लैणा कहानियां। ते जेकर तुहानू किताब मिल जाती है बाहरों दी बुक शॉप्स तो ते ठीक है, ते जे नहीं मिलती कहानियां सेंड करूँगी तुहानू, तो तुसी उन्हां नू सुन लेना सारे बच्चे। ओके बेटा, थैंक यू।